नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पूजा डक्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमटाट के बारे में कि ये कफ और लंग्स पे के लिए कितनी अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, जानेंगे इस मेडिसिन के बेनिफिट। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप मेरे से जुड़ सकते हैं ईमेल से। मेरी ईमेल आईडी है pujatakkar30@gmail.com। उस पर आप मेल करके मुझसे मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, वीडियो रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं या मेडिसिन मंगवाना भी चाहते हैं, तो वो भी आप मेरे से मंगवा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि अगर बच्चों के लिए और ओल्ड एज के लिए बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है एंटीमटाट, और जैसे कि अगर आपको कफ़ की प्रॉब्लम है, बहुत सालों से कफ आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। हम जानेंगे इसके एक्शन कैसे ये वर्क करती है। तो सबसे पहले, जैसे कि अगर हमारे लंग्स में सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा जैसे स्वेलिंग आ जाती है और इन्फेक्शन आ जाता है कि हमें खांसी, हम काफ़ी टाइम से परेशान होते हैं, हमारा कफ नहीं निकलता, खांसी मतलब बलगम जो है वो अंदर अंदर जमा रहता है और हमें खांसी बहुत ज़्यादा आती है, तो ये बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब इसके हम सिम्टम्स जानेंगे ये कैसे काम करती है। जैसे कि अगर हम हेड की बात करें, हमारे सिर में फ्रंट में बहुत ज़्यादा सिर दर्द है और नाक से आवाज़ आ रही है, मतलब कि हम नाक से हमारी आवाज़ आ रही है, हमारी आवाज़ जो है वो चेंज हो गई है। अगर ऐसा है तो ये आपके मेडिसिन ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। नोज़ की बात करें तो आपको साइनस की प्रॉब्लम है और नाक के अंदर म्यूकस जम गया है और हमारे नाक जो है वो बंद हो गए हैं, तो ये उस पर भी अच्छा इफेक्ट करती है। अगर हम बात करें माउथ की, हमारी जो टंग है बिल्कुल वाइट कलर की हो गई है और जैसे कॉर्नर के ऊपर जो है रेडनेस सी हो गई है जीभ की कॉर्नर पे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। लंग्स की बात करें, छोटे बच्चों में खर खर की आवाज़ आती है, सीना खर खर करता है और जैसे कि ओल्ड एज में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, हाँफते हैं, जैसे कि अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो मतलब जैसे कि सांस ऊपर नीचे होती है, लंग्स में ऐसा सूजन आ जाती है, तो इस वजह से ऐसा होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर स्टोमेज की हम बात करें, हमें वॉमिटिंग आ रही है, अजीब सी वॉमिटिंग आ रही है, पेट में हमारी गुड़गुड़ाहट भी हो रही है, आवाज़ जैसे खर खर की आवाज़ सी आ रही है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आपके बैक में पेन हो रहा है, जैसे पेन ऐसा हो रहा है जैसे खींचने से, जैसे कि अगर आपको कोई खींच रहा है, और कफ बहुत ज़्यादा है, खर खर की आवाज़ आ रही है, डलनेस लग रही है कि भाई अब काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपके साथ ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो इस मेडिसिन का यूज़ ज़रूर करें। जैसे कि कफ़ की प्रॉब्लम है, खांसी बहुत सालों से आ रही है, बहुत पुरानी हो चुकी है, वायरल इन्फेक्शन है, जैसे कि आप जानते हैं इस समय वेदर चेंज हो रहा है, विंटर सीजन है, खांसी की प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती है, बच्चों में क्या बड़ों में भी देखी जाती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन है, तो ज़रूर यूज़ कीजिए। यूज़ कैसे करना है, आपने 2-2 ड्रॉप्स अपने दिन में 4 बार लेना है। और अगर आपकी पुरानी खांसी है, अस्थमा है आपको और एलर्जी है, जैसे कि ठंड ज़्यादा होती है तो सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा हो जाती है और खांसी आती है बहुत ज़्यादा, सुबह शाम तो मतलब सुबह के टाइम इतने नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो हमें दिक्कत बढ़ जाती है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ करें, बहुत अच्छी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यूज़ कैसे करेंगे, 30 CH पोटेंसी की मेडिसिन लेंगे, सुबह शाम आपने 2-2 बूंद अपनी जीभ पे टपकाना है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं। और इसके साथ अब यूज़ करेंगे बायो कॉम्बिनेशन 6, जो कि अब SBL कंपनी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये यूज़ कैसे करेंगे, 6-6 टैबलेट आपने दिन में 3 बार यूज़ करना है, 6 टैबलेट निकालनी और डायरेक्टली अपने मुँह में जैसे खा लेनी है, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी हैं, तो ज़रूर ये मेडिसिन का यूज़ करें। और ये जो मेडिसिन है ये कुछ टाइम तक, हमने कम से कम 4-5 महीने तक लगातार अगर आप मेडिसिन का यूज़ करेंगे तो आपकी जो भी खांसी की प्रॉब्लम है या सांस में लेने की दिक्कत है तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसी अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तो नमस्कार दोस्तों।